الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوتهم وسار على دربهم إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان लौ कानू यालमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुज़ुर्गान मिल्लत, उलमाए कराम, नौजवानान इस्लाम, हमदर्दान कौम, अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्ग साथियों, तारीफ़ के लायक अल्लाह ही की ज़ात बाबरकत है। आसमान व ज़मीन को जिसने पैदा किया, कायनात की हर मखलूक उसी के सामने सजदरेज़ है। पुकारने वाला, मांगने वाला सिर्फ और सिर्फ उसी के दरबार में आवाज़ लगाता है। और रब्बुल आलमीन, ज़माना जिसके इशारों पर गर्दिश करता है, और रब्बुल आलमीन जिसके हुक्म से दिन और रात के मामूलात चल रहे हैं। दरूद और सलाम उसके भेजे हुए तमाम अंबिया और रसूलों पर, बिलखुसूस आखिरी रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी इताअत और पैरवी आइन अल्लाह की इताअत और पैरवी है। हज़रात, दुनिया और दुनिया की ज़िंदगी, आखिरत और आखिरत की ज़िंदगी, ये तसव्वुर इस्लाम इंसान को बड़े वाज़ेह तौर पर समझाता है, मुख्तलिफ़ मिसालें देकर समझाता है, ताकि इंसान इस दुनिया की ज़िंदगी और आखिरत की ज़िंदगी में फ़र्क कर सके, समझ सके कि हमेशा की ज़िंदगी कौन सी है और वो ज़िंदगी जो आरिज़ी है उसकी हकीकत क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया, यह दुनिया की ज़िंदगी लहवुं व लइब, खेल और कूद है। व इन्नद दारल आखिरत लहियल हयावान, आखिरत का घर और आखिरत की ज़िंदगी वही अबदी ज़िंदगी है। काश वो लोग जान सकते। कुरान ने एक और जगह कहा, इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहव, जान लो ऐ लोगों के दुनिया की ज़िंदगी खेल और कूद और एक तमाशा है। व ज़ीना, एक खूबसूरती है। व तफ़ाखुरुम बैनकुम, आपस में एक दूसरे पर फ़ख्र करने की जगह है। व तकासुरुन फ़िल अम्वाल वल औलाद, माल और औलाद की कसरत पर या ज़्यादती पर इस ज़मीन पर और इस दुनिया में तुम फ़ख्र करते हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कई जगह पर दुनिया की ज़िंदगी को खेल और कूद की ज़िंदगी से ताबीर किया, खेल और कूद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कहा कि ये तमाशा है। और दुनिया में कोई तमाशा परमानेंट नहीं चलता है। सर्कस 3 घंटे का, फिल्म 3 घंटे की, खेल कूद 3 घंटे के। तो लिहाजा जो है, कितना भी बड़ा तमाशा रहे, एक वक्त में ख़त्म हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि दुनिया की ज़िंदगी एक तमाशा है, इसको तो ख़त्म होना ही है। तमाशा शुरू भी होता है और ख़त्म भी होता है, कहीं 2 घंटे, कहीं 3 घंटे, कहीं 4 घंटे, कहीं 5 घंटे, लेकिन लगता ख़त्म। अब इंसान को ये तमाशा कुदरत कभी 50 साल दिखाती है, कभी 60 साल, कभी 70 साल, लेकिन ज़िंदगी का ये तमाशा ख़त्म होकर ही रहता है। कुरान ने इसे कहा, इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहव, जान लो लोगों के दुनिया की ज़िंदगी एक खेल और एक तमाशा है। तमाशा परमानेंट नहीं है। कितना भी बच्चे से अच्छा तमाशा हो, नाच गाना हो, महफिल कव्वालियों की हो, मुशायरों की हो, आपके पसंदीदा किसी भी खेल की हो, कुश्ती का मैदान रहे, उठा पटक की जगह रहे, शुरू होता है और ख़त्म हो जाता है। तो ये तमाशा, ज़िंदगी में हम जो तमाशे देखते हैं, इन तमाशों को शुरू और ख़त्म होते देखते हैं, लेकिन ज़रा इबरत की नज़र रहे तो खुद हमारी ज़िंदगी एक तमाशा है। हमारी ज़िंदगी खुद एक तमाशा है। 3 घंटे का तमाशा हमने देखा अपनी ज़िंदगी के, 50 साल ज़िंदगी के तमाशे के बारे में हम ये समझते हैं कि हम परमानेंट रह जाएंगे, यही सब कुछ है, यहीं पर है। तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ। सच तो ये है कि आखिरत का घर वही परमानेंट है, वही परमानेंट है, इसके सिवा कोई और चीज़ नहीं हो सकती। तो इस दुनिया की ज़िंदगी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बेवकाती को कई मिसालों के ज़रियों से समझाया। कहीं फरमाया दुनिया जी फतुल वतौलिबुहा किला, ये दुनिया एक मुर्दार है और उसका तलबगार और उसके ताल्लुक से ये सोचना कि वो हमेशा यहीं रहेगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्फाज बड़े सख्त हैं लेकिन हमारे पत्थर और जंग शुदा दिलों को हिलाने के लिए ज़बान नबुवत यही कहती है, अद्दुनिया जी फतुल वतौलिबुहा किला, ये दुनिया एक मुर्दार है और उसके तलबगार कुत्ते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो लिहाजा ये दुनिया और दुनिया के तमाशे, ये खेल, ये कूद, ये जिंदगी, इसी को सब कुछ समझकर बैठना, इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई और चीज़ नहीं हो सकती है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا। अल्लाह ताला कहते हैं, जिसने आखिरत के बारे में फिक्र की और उसके लिए उसने कोशिश की, जी जान लगाया हालत ईमान में रहकर, तो अल्लाह ताला कहते हैं उसकी कोशिशें, उसकी काविशें और उसकी मेहनतें, उसकी कद्र की जाएगी, उसका बदला दिया जाएगा। उसके ताल्लुक से उसको बेफिक्र होने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला उसकी मेहनतों को ज़ाये कभी नहीं फरमाएंगे। तो मालूम हुआ दुनिया तमाशा है तो आखिरत एक हकीकत है, ये मिटने वाली है तो वो टिकने वाली है, इसका खातिमा है तो उसकी इब्तिदा है, यहाँ फना है तो वहाँ बका है। तो अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं, यहाँ की नेमतें आरिजी हैं और वहाँ की नेमतें मुस्तकिल हैं, अबदी हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया और दुनिया की हकीकत को कुरान मजीद में कई जगह मुख्तलिफ अंदाज से समझाया। और इस दुनिया और दुनिया की हकीकत को अंदाज़ा लगाइए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अक्सर जुमा के खुतबे में कहते हैं, ऐ सोना, ऐ चांदी, किसी और के पास जा और उसको बहका, अली तेरी जद में आने वाला नहीं है, अली तेरी जद में आने वाला नहीं है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला कौल कौल है, दुनिया अली से दूर जा रही है, आखिरत उसके करीब हो रही है। और फरमाते थे, फलिकुल्लि वाहिदतिम मिनहुम मबना, हर दुनिया की भी औलाद है और आखिरत की भी औलाद है। कूनू अबना आखिरा ला तकूनू अबना दुनिया, दुनिया के बेटे न बनो, आखिरत की औलाद बनो। अल्यौम लिल अमल वलल हिसाब, गदन अल हिसाब वलल अमल। आज इस दुनिया में अमल की मोहलत है, हिसाब की छूट है, कल क़ियामत में हिसाब है, अमल ख़त्म है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस दुनिया के ताल्लुक़ से और उसकी बेसिबाती के ताल्लुक़ से फरमाया। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ी अच्छी मिसाल दी है, एक छोटे से वाक़ये के ज़रिए समझाया है कि एक शख्स जंगल में निकला, शेर ने उसका पीछा किया, ये जान बचाने के लिए भागा, भागते भागते पहुंचा एक कुएं के करीब। कुएं में उसने सोचा कि छलांग लगा दूंगा, तैरना तो आता है, ऊपर से जब शेर चला जाएगा तो फिर जान बचा के निकल रहा हूँगा। जब वो कूदने के लिए कुएं में झांका तो देखा एक काला नाग फन उठाए तैयार खड़ा है। तब ये बेचारा परेशान हो गया, पीछे शेर है आगे नाग है, करूं तो क्या करूं। तो उसको लगा कि कुएं की दीवार में कुछ दरख्त निकल आए हैं, कुछ दरख्त निकल आए हैं। इसने सोचा चलो उन दरख्तों का सहारे से लटक जाता हूं, दरख्तों के सहारे लटक जाता हूं, सांप से भी बच जाऊंगा और शेर से भी नजात मिल जाएगी। और जब वो चला जाए तो ऊपर निकल रहा हूं। तो लिहाजा उसने अपने अंदाजे के मुताबिक जो है दीवार का सहारा लेकर कुएं के बीच जो दरख्त निकल जाते हैं उनको पकड़ कर लटक गया। थोड़ी देर गुजरी तो जिन दरख्तों से ये लटका हुआ था उसके करीब शहद का छत्ता था। शहद का छत्ता था तो शहद की मक्खियां नहीं थीं, तो शहद टपक रहा था। तो इसने कहा चलो ज़रा चक्कर देख लेते हैं, ज़रा चक्कर देख लेते हैं। एक हाथ जिसने जो है शहद के छत्ते की तरफ बढ़ाया, दो कतरे, चार कतरे, छह कतरे चाटने लगा। लज्जत के साथ साथ वो ये भूल गया कि नीचे को नाग बैठा है, ऊपर को शेर तैयार है। और शहद की लज्जत ने उसे जो है उसके दिमाग से मंजर ही हटा दिया, ये मंजर ही हटा दिया। इमाम गज्जाली रहमतुल्लाह अलैह इस मिसाल को देने के बाद कहते हैं कि इंसान तेरा भी कुछ यही हाल है, शेर मलकुल मौत की शक्ल में तेरा पीछा कर रहा है और कब्र का अजाब सांप की शक्ल में इंतजार में डसने को तैयार है। और ये घास, ये दरख्त जिसे तू लटका, वहाँ वो इस बात को भी भूल गया था शहद चाटते हुए कि एक सफ़ेद और एक ये काला चूहा जिस टहनी को पकड़कर ये लटक रहा था उसे काट रहे थे, उसे काट रहे थे। शहद की लज्जत ने वो भी भुला दिया। तो इमाम गजाली कहते हैं कि दो चूहे सफ़ेद और सियाह तेरी जिंदगी के दिन और रात हैं जो कट रहे हैं, जो कट रहे हैं। और ये शहद और उसकी लज्जत ये दुनिया की नेमतें हैं, अंजाम तो खुद अपना खुद तय कर ले। मलकुल मौत पीछे है, कब्र का अजाब तैयार है, जिंदगी के दिन और रात तेरी उम्र की डोर को काटते जा रहे हैं और तुझे इस दुनिया से कटना है। और ये दुनिया की नेमतों में गाफिल बनकर हकीकत से हकीकत को नज़रअंदाज करके तेरा बैठ जाना तेरी बेवकूफ़ी की नहीं तो किस चीज़ की दलील है, किस चीज़ की दलील है। तो लिहाजा इमाम गज्जाली रहमतुल्लाह अलैह ने इस मिसाल को देकर समझाया कि ज़रा सोचो तो सही कितनी अहम बात है। और फिर इस दुनिया की बेवकूफ़ी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में यूं बयान फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि क़यामत के दिन जन्नत में फ़कीर हज़रात मालदारों से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे और आखिरत का एक दिन दुनिया के 70,000 साल के बराबर है, 70,000 साल के बराबर है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले दुनिया के बारे में ये बात फरमाई। अल्लाह के रसूल खुद दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा अहयनी मिस्कीनन व अमीतनी मिस्कीनन वहशुरनी ज़ुमरतल मसाकीन। जिंदगी फुकरा के साथ, मौत फुकरा के साथ और अंजाम फकीरों के साथ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मांगा करते थे। दुनिया की क्या कमी थी, अगर अल्लाह ताला के रसूल अल्लाह से मांग लेते दुनिया तो आपके कदमों में थी, आपके कदमों में थी। कितनी मिलती थी दुनिया। हुजूर ने जिन पहाड़ों की तरफ इशारा करके मिसाल देकर समझाया कि अगर ये पहाड़ सोने का हो और वो मुझे दिया जाए, जबल सिला की तरफ गालिबन आपने इशारा फरमाया, अगर ये दिया जाए तो मैं चाहूंगा कि सूरज गुरूब होने से पहले, शाम होने से पहले मैं इसको फुकरा में बांट दूं। अल्लाह के रसूल ने मिसाल के तौर पर उंगली उठाई थी, आज वो सारा पहाड़ उसके नीचे सोने की काने भरी पड़ी हैं। तो वो रसूल अगर दुनिया मांगता तो कितनी मिलती जरा अंदाजा लगाइए। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ईमान को और दुनिया की हकीकत उनके सामने रख दी ताकि हम इस दुनिया की चमक दमक में उलझ कर न रह जाएं। अल्लाह के रसूल ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा था कि घर में कुछ है, फरमाया कि 7 या 8 अशरतियाँ पड़ी हुई हैं। अल्लाह के रसूल ने उसको मंगवाया और खैरात कर दिया। हजरत आयशा ने अल्लाह के रसूल को देखा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आए आयशा, मैं इस हालत में अपने रब से नहीं मिलना चाहता कि मोहम्मद के घर में दुनिया बसी रहे, मोहम्मद के घर में दुनिया रहे। दुनिया गलत नहीं है, लेकिन इस दुनिया की मिसाल कुरान ने देकर समझाया कौन किसको दुनिया पसंद नहीं है। कौन नहीं चाहता कि उसके पास दौलत रहे, दुनिया रहे। और दुनिया को छोड़ दो वाली बात यकीनन अमलन एक नामुमकिन बात है। तो इस फिर इसके साथ किया तो क्या किया जाए, तो अल्लाह ताला ने उसको हमें समझाया। वदरिब लहुम मसलल हयातिद दुनिया कमा अन्ज़लनाहु मिनस समा। तुम्हारे लिए दुनिया की मिसाल आसमान से उतरने वाले एक पानी की तरह है। इस पानी को देखो, अजीब चीज है। दुनिया की जिंदगी, दुनिया की दौलत को अल्लाह तबारक व तआला ने पानी से तशबीह दी। और ये पानी से तशबीह इंसान के लिए बड़ा अजीब मामला है। क्यों साहब, जरा समझे। कुरान ने कहा वदरिब लहुम मसलल हयातिद दुनिया, अल्लाह तुमको जिंदगी की मिसाल क्या है वो बताना चाहता है। कमा अन्ज़लनाहु मिनस समा, उस पानी की तरह है जिसे उसने आसमानों से उतारा है। तो ये पानी दुनिया की जिंदगी। तो अल्लाह ताला कहते हैं क्या चीज़ है पानी में और दुनिया की ज़िंदगी में। पानी एक जगह टिकता नहीं, दुनिया की दौलत भी एक जगह रुकती नहीं। पानी में जो भी दाखिल होगा वो तो भीगेगा ही, और जो भी इस दुनिया में दिल लगाएगा वो दुनियादारी के चीज़ों में उलझ कर रहेगा ही, भीगेगा ही। फिर फरमाया जरूरत के मुताबिक पानी हो तो फायदामंद है, जरूरत से ज्यादा या कम हो तो वो भी नुकसानदा है। इंसान के अपनी आंख को ले लीजिए, आंख का कैमरा, पुतली, ये सब किस पे काम करता है? एक पानी है जिसमें पूरी पुतली घूमती है। और आप जब कोई आदमी मर जाता है तो आप किसी डॉक्टर को बुलाकर कहते हैं देखो क्या हुआ, तो सबसे पहले आंख देखता है, पुतली रुक जाती है, पानी सूख जाता है। पानी का एक कतरा जिंदगी की अलामत खत्म हो जाए तो मौत का डिक्लेरेशन। और यही पानी बदन में कम हो जाए, डिहाइड्रेशन, फौरन ग्लूकोज चढ़ाओ साहब, ये करो वो करो ताकि पानी हो। तो लिहाजा ये पानी बढ़ जाए बदन में तो डॉक्टर कहता है आसाइटिस, अरे साहब बदन की झिल्लियों में पानी भर गया है, अब इसको निकालने का कोई रास्ता इख्तियार करो साहब। अच्छा, तो लिहाजा जो है जिस मिकदार में जो चीज़ हो अगर वो बढ़े तो भी नुकसानदा, कम हो तो भी नुकसानदा। तो मालूम हुआ मोमिन को इस दुनिया में उस कश्ती की तरह रहना चाहिए, चलती तो पानी में है, पानी को अंदर आने नहीं देती। अगर अंदर आने दे तो मुसाफिर भी डूबेंगे, मल्लाह भी डूबेगा, कश्ती भी डूबेगी, सब कुछ यही होगा। तो लिहाजा कुरान मजीद ने बार बार इस चीज की तरफ इशारा किया, दुनिया और दुनिया की जिंदगी और उसकी बेसबाती की तरफ तवज्जो दिलाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुकराए मदीना या असहाबे सुफ़ा कहिए, चबूतरे पर वो गरीब साहबा जिनका कोई घर बार नहीं था, कोई कारोबार नहीं था, वो अल्लाह के रसूल की खिदमत में सुबह से शाम तक वहीं रहते थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन सीखा करते थे। इसीलिए आप देखे होंगे हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्हीं साहबा में से हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी 2 साल की ही ज़िंदगी की सोहबत रही है। लेकिन सबसे ज्यादा हदीसें हजरत अबू हुरैरा की हैं, हजरत अबू हुरैरा की हैं। तो लिहाजा जो है बहुत कोशिश की, इस्लाम दुश्मन ताकतों ने हजरत अबू हुरैरा की रिवायतों को कमजोर साबित करने की सवाल उठाया कि हजरत अबू बकर पूरी जिंदगी साथ थे, हजरत उमर पूरी जिंदगी साथ थे, हजरत उस्मान थे, हजरत अली थे। उनकी हदीसें कहीं जो है 200 हैं, कहीं 100 हैं, कहीं 40 हैं, कहीं 50 हैं। हजरत अबू हुरैरा के हजारों में कैसे हैं, हजारों में कैसे हैं? शक के दायरे में लाने की कोशिश। उसका जवाब हजरत अबू हुरैरा ने खुद दिया, अबू बकर उमर उस्मान और अली को दुनिया के बहुत काम थे, मेरे पास मेरे नबी की बात सीखने के सिवा कोई काम ही न था। ये असहाब सुफ्फा में थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन आए और जब आते तो सहाबा संभल कर एक दूसरे के पीछे छुप कर बैठते। क्यों? इसलिए कि उनके बदन पर पूरा कपड़ा भी न था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर्माते हुए एक दूसरे के पीठ के पीछे छुपते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से असहाबे सुफ्फा, फुकराए मदीना कहिए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, दीन के मसले में नमाज रोजा वो भी करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन कुदरत ने उनको एक माल अलग से दिया है, राह खुदा में खर्च करते हैं, जिहाद के रास्ते में खर्च करते हैं, गरीबों और फुकरा पर खर्च करते हैं, लिहाजा वो बहुत आगे जा रहे हैं आखिरत के मसले में। अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल, कुछ एक नजर इनायत हम पर भी हो, हम पर भी हो। तो दुनिया नहीं मांगी बल्कि कहा, ये मुकाबला जो चल रहा है इस मुकाबले में हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा एक काम करो, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा अल्लाह अकबर, इस तस्बीह का विर्द करो, तुम उनसे आगे निकल जाओगे। तो अब इस तस्बीह को सुबह शाम असहाब सुफ्फा पढ़ने लगे। अब जाहिर है कि आदमी डुल डुल कर पड़ता है तो गुजरने वाला देखता भी कल तक तो खामोश बैठा था, आज ये डुल क्यों रहा है। तो अब जुस्तजू शुरू हुई मदीने के मालदारों में। ये क्या कमाल है कि 8-10 दिन से देख रहे हैं कि मस्जिद नबवी में जो चबूतरे वालों का मंजर बदला हुआ है, तो उन्होंने अपने जासूस छोड़े, जासूस छोड़े, जाओ भाई जाओ जाओ, जरा पता लगा क्या हो, क्या बात है। यहाँ अंदर घुसने के बाद अब जाहिर है कि भाई यह आदमी में कुछ ना कुछ तो होते हैं, उसमें से किसी ने उगल दिया होगा कि हुजूर से हमने ये पूछा, हुजूर ने ये नुस्खा बताया है। अब ये नुस्खा उन तक भी पहुंचा, अब ये नुस्खा जब उन तक भी पहुंचा तो उन्होंने माल के साथ साथ इसका विर्द भी शुरू किया। अब इनको पता चला कि बड़ी होशियारी से उन्होंने हमारा फार्मूला ले लिया है, हमारा फार्मूला ले लिया है। तो अल्लाह के रसूल की खिदमत में आए, सर झुका कर बैठ गए। हुजूर ने पूछा, क्या बात है? कहा, या रसूल अल्लाह, यहाँ भी वो मैदान में आगे जा रहे हैं, यहाँ भी वो मैदान में आगे जा रहे हैं, पैसा भी राह खुदा में खर्च कर रहे हैं, ये वज़ाइफ भी पढ़ रहे हैं। तो हुजूर ने मुस्कुरा कर कहा, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीही मन यशा। हुजूर ने मुस्कुरा कर कहा, ये अल्लाह का फजल है, वो जिसको चाहे अता करे, वो जिसको चाहे अता करे। तो लिहाजा जो है इस दुनिया के बारे में सहाबा कराम की तरबियत किस अंदाज से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। एक बुजुर्ग का वाक़या लिखा गया है कि एक बच्चे को लेकर आए, बुजुर्ग से कहा जरा दुआ करा दें, जरा दुआ करा दें। ये पहले ज़माने में बड़ा दस्तूर था। अब पिछले 10, 20, 25 सालों में देख रहा हूँ कि जो है बच्चा पैदा होते ही डॉक्टरों की फाइल तो बनती है, ज़िंदगी में कभी बुज़ुर्गों से ले जाकर दुआ नहीं करवाते हैं, ख़ानदान के बड़े से दुआ नहीं करवाते हैं। हज़रत इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह जब तक जिंदा थे, जब तक जिंदा थे बच्चे उनके पास लाए जाते और वो सुन्नत के मुताबिक तहनीक किया करते, खजूर चबाकर थोड़ा सा लुआब के साथ उस बच्चे के मुंह में थोड़ी सी मिठास डालते और जो खजूर बच्चा था वो बच्चे के तालू पे मल दिया करते थे, तालू पे मल दिया करते थे। तो लिहाजा अल्लाह के रसूल के सामने जब बच्चे लाए जाते तो आप तहनीक फरमाते, आप तहनीक फरमाते। तो इस तरह सहाबा में फिर ताबईन में ये अमल रहा। अब तो खैर ज़माना बदल गया, अब कोई बेचारा जो है उसका दादा ही या उसका बाप ही नेक हो, और वो अगर चबा कर डाले तो फौरन माँ कहेगी इन्फेक्शन हो जाएगा, जी रुक जाओ। बल्कि ईमान पर भारी पड़ रहा है, ईमान पर भी भारी पड़ रहा है, तो लिहाजा जो है ये ज़माना भी बदलता है। तो एक बच्चे को लेकर दुआ कराने के लिए आए, तो बच्चों को मिठास की बड़ी ख्वाहिश होती है, तो बुजुर्ग ने अपने जेब में हाथ डाला और एक मिठाई निकाली, बच्चे को दिया। बच्चे ने लेने से इनकार कर दिया, दोबारा दिया, दोबारा इनकार किया, फिर दिया तो फिर इनकार किया। तो बच्चे ने बाप की तरफ देखा, तो बाप ने बच्चे से कहा कि हजरत दे रहे हैं, ले लो। तो बाप के इजाज़त के बाद उस बच्चे ने उस मिठाई को कबूल कर लिया। वो बुजुर्ग ज़ारो क़तार रोने लगे, कहे कि हम इस बच्चे से भी गए गुजरे हैं जो एक मिठाई के लिए अपने बाप की इजाज़त मांगता है, और हम गुनाह पर गुनाह करते हैं और अपने रब की नाराज़गी पर तक नज़र नहीं रहती है, अपने रब की नाराज़गी तक पर भी हमारी नज़र नहीं रहती। तो लिहाजा जो है कुछ अहादीस ऐसी हैं जिसने इस दुनिया के ताल्लुक से बड़ी अजीब बात कही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया असखरु मिन हारूत व मारूत, दुनिया जो है बहुत बड़ी जादूगर है, हारूत और मारूत से भी ज्यादा बड़ी जादूगर। हजरत सुलेमान के कौम के दो आदमी थे, बिबाबिल हारूत व मारूत, हारूत और मारूत, और ये जादू सिखाया करते थे। उस कौम के लोग उनसे जादू सिखाया सीखते थे। फरिश्ते थे और इंसानों की शक्ल में थे, अल्लाह ने आजमाइश के लिए उतारा, जो एक मुस्तकिल वाक़या है, सूरह बकरा में बड़ी तफसील से आपको मिलेगा। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अद्दुनिया असखरु मिन हारूत व मारूत, ये दुनिया हारूत और मारूत से बड़ी जादूगर है, इन दोनों से बड़ी जादूगर है। क्यों? कान यसखरु हारूत व मारूत युफर्रिकु बैनल मर्ई व ज़ौजी, हारूत और मारूत क्या सिखाते थे? वो जादू सिखाते थे जिससे मियाँ बीवी में फूट पड़ जाए, मियाँ बीवी में फूट पड़ जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वहादिहि सहारा युफर्रिकु बैनल अब्दि व रब्बि, लेकिन ये दुनिया उनसे बड़ी जादूगर है। और इसका जादू कितना है? हारूत और मारूत मियाँ बीवी में तफरीक डालते थे, फासिला पैदा कर देते थे, जुदाई डाल देते थे। अल्लाह के रसूल ने कहा, ये दुनिया उससे बड़ी जादूगर है, बंदे और रब के बीच फूट डाल देती है। अल्लाहु अकबर, ये दुनिया बंदे और रब के बीच जुदाई डाल देती है, तफरीक डाल देती है, और इस दुनिया की रोशनी में इंसान न जाने क्या क्या कर बैठता है, क्या क्या कर बैठता है। हजरत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा में से वो सहाबी हैं जिनका जिक्र हजरत अबू बकर के बाद बड़े एहतराम से लिया जाता है। ये फारस के आए हुए थे, आप ही के मशवरे पर जंग अहज़ाब में खंदक खोदी गई थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान फ़ारसी के बारे में फरमाया, सलमान फ़ारसी मेरे घर का एक फ़र्द है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अहले बैत में से हैं। सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मदीना आए, तो आप तो सीरत में सुने हैं कि मदीने वाले और मक्के वालों को मिलाकर हुजूर ने भाई भाई बना दिया था, हुजूर ने भाई भाई बना दिया था। तो हज़रत अबू दर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत सलमान फ़ारसी को आपस में भाई बनाया। हज़रत अबू दर्दा फिर वहाँ से मदीना छोड़कर हुजूर के बाद बैतुल मुक़द्दस चले गए, वहीं क़याम फरमाया। चूँकि वो बड़ी मोहब्बत थी, सगे भाइयों की तरह हो गए थे सहाबा। वहाँ से ख़त लिखा हज़रत सलमान फ़ारसी को, अल्लाह का शुक्र है कि मैं मुक़द्दस ज़मीन पर आकर आबाद हुआ हूँ, अल्लाह ने मेरे माल में और मेरी औलाद में खूब बरकत दी है। सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब में हज़रत अबू दर्दा को ख़त लिखा, कहा कि अबू दर्दा, किसी ज़मीन के तक़द्दुस से इंसान को कुछ मिलने वाला नहीं है, अमल बाबरकत हो तो वो क़ियामत के दिन निकल जाएगा। फिर फरमाया तुमने लिखा है कि औलाद में और माल में बड़ी बरकत है। काश तुम अल्लाह से ये मांगते कि मौला मेरे नेक अमल में बरकत और इल्म नाफे में बरकत अता कर, तो ये तुम्हारे लिए आखिरत का सरमाया था, आखिरत का सरमाया था। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के कदमों में दुनिया थी। कौन सोचता है एक कोई कीमती चीज़ मिल जाए तो लोग ले जाकर म्यूजियम में रख लेते हैं। हज़रत उमर के दरबार में कैसर और किसरा के बादशाहों के ताज लाकर तोड़कर टुकड़ों की शक्ल में बंटवारा हुए। मोमिन की नजर इन चीजों पर कभी रहती नहीं है, कभी रहती नहीं है। तो लिहाजा जो है दुनिया और दुनिया की बेसिबासी, कुरान ने जिसे कहा ये दुनिया कभी एक के पास रुकी रहेगी, ये गलत तस्वुर है। घटती जाती है, किसी के यहाँ 50 साल में खत्म होती, कहीं 5 साल में, कहीं 70 साल में, कहीं 60 साल में, लेकिन टिकती नहीं है, टिकती नहीं है। इसीलिए कुरान ने कहा वज़रिब लहुम मसलन हयातिद दुनिया कमा इन अंज़लनाहु मिनस समा, तुम्हारे लिए दुनिया की मिसाल उस पानी की तरह है जो आसमान से बरसता है, एक जगह टिकता नहीं है, एक जगह टिकता नहीं है, बढ़ जाए तो नुकसान, घट जाए तो भी नुकसान। फिर फरमाया और आदमी जो इसमें गोता लगाएगा वो तो भीगेगा, वो तो भीगेगा। अब आप पूछेंगे अगर हम प्रोटेक्शन के साथ दरिया में उतरें, बदन तो भीगता नहीं है, वाटरप्रूफ ड्रेस पहन लें, तो बदन को बचाने के लिए वाटरप्रूफ ड्रेस चाहिए। तो हदीसें कहती हैं दुनिया में रहकर दुनिया से बचने के लिए आखिरत का वाटरप्रूफ जिक्र चाहिए। वो लिबास पहनो तकवे का, परहेजगारी का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए जिंदगी के तरीक़े का। अगर ये लिबास पहनकर दुनिया में कितने भी गोते लगाओ, दुनिया हमारा कुछ करने वाली नहीं है, दुनिया कुछ हमारा करने वाली नहीं। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि दुनिया क्या है, उसने जवाब में कहा अद्दुनिया सौम अद्दुनिया यौम वलना फीही सौम, ये दुनिया एक दिन की है और उस एक दिन में हमने रोजा रख लिया है, हमने रोजा रख लिया है। रोजेदार कुछ भी मर्जी से नहीं करता, अल्लाह के हुक्म पर करता है। तो ये दुनिया को अगर हम उस हिसाब से देखें तो और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बारहा समझाया। कहीं पर फरमाया ये धोखे का घर है, कहीं पर फरमाया ये मच्छर का पर है। लेकिन क्या किया जाए, इस दुनिया और इस दुनिया की चमक ने किसी को नहीं छोड़ा। अज़हब तुम तय्यबातिकुम फी हयातिकुम अद-दुनिया फस्तमतातुम बिहा, जिससे तुम दुनिया में फायदा उठाते हो इसका भी तो अल्लाह ताला के पास हिसाबो किताब है। हजरत उमर के दौर में जब खूब माल गनीमत आया, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहीं के दौरे में किसी से कहा भाई जरा पानी पिलाओ, तो उसने शानदार फ्रेश जूस का शरबत लाके दिया, फ्रेश जूस पेश किया। हजरत उमर पीने के बाद रोने लगे, तो पूछा कि इस पर रोने की क्या बात है, पानी तो पीना ही था, तो उसकी जगह जूस मिला है। फरमाया कहीं क़यामत के दिन मेरा रब मेरे अमाल के बारे में ये कहे कि उस दुनिया के बारे में तेरा हिसाब खत्म हो गया, अब आखिरत के लिए क्या है बता। अज़हबतुम तय्यबातिकुम फी हयातिकुम अद-दुनिया, इस दुनिया और दुनिया की नेमतों से इस कदर घबराते थे सहाबा और चाहते थे कि इस दुनिया की वजह से कहीं आखिरत बर्बाद न हो जाए, वहां कमी न रह जाए और वहां कहीं परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके ताल्लुक से बार बार बड़े फिक्रमंद हुआ करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ये दुनिया दी, ये जिंदगी दी, और इस जिंदगी को आदमी परमानेंट समझता है। कितनी जिंदगी साहब, कुरान ने हजरत नूह के बारे में कहा अल्फसनतन इल्ला 50 आमा, 950 साल। फिर उसके बाद तूफान नूह के बाद 50 साल हजरत नूह जिंदा रहे। पूरे 1000 साल जिंदगी पाई। मौत का फरिश्ता जब आया तो अल्लाह ताला ने पूछा, ऐ नूह, जिंदगी 1000 साल जिंदगी इस दुनिया में गुजारी है तुमने, बताओ कैसे लगा? हजरत नूह ने कहा, परवरदिगार ऐसे लगा 1000 साल की जिंदगी, मेरे घर के 2 दरवाजे हों तो मैं एक दरवाजे से दाखिल हुआ हूं, दूसरे से निकल गया हूं। 1000 साल जिंदगी। उसको हजरत नूह मिसाल और तस्बीह देकर समझा रहे हैं, तस्बीह देकर समझा रहे हैं। घर के एक दरवाजे से घुसे, दूसरे से निकल गए, दूसरे से निकल गए। वो तो हजरत नूह थे जिनके जमाने में घर बड़े बड़े होते होंगे साहब, कुछ तो 4 कदम चलना पड़ता होगा। हमारे घरों में तो घुसते ही एंड आ जाता है, घुसते ही एंड आ जाता है और दरवाजे 2 होने का सवाल ही नहीं है। तो हमको कितना और शार्प सोचना चाहिए, जरा सोच कर तो देखिए ना सब। अगर हम दूसरा दरवाजा लगाना चाहें, बाजू घर की दीवार तोड़नी पड़ेगी। अब उसके बाद एक नए झगड़े शुरू होंगे। अब ये ना कहें कि भाई हजरत ने 2 दरवाजों की मिसाल दी इसलिए दूसरा दरवाजा लगाएं, तो कहा हमारा दूसरा दरवाजा तो डायरेक्ट कब्र में ही खुलता है, पहला घर में, दूसरा कब्र में। तो लिहाजा जो है ये साफ साफ अल्फाज में फरमाया कि देखो ये चीज क्या है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के ताल्लुक से इतनी सराहत के साथ ये बातें फरमाई, और इस दुनिया में दिल लटका कर इंसान बैठ गया है। इस दुनिया को कोई छोड़ना नहीं चाहता, यहाँ की हवस बढ़ती ही जा रही है, इसके लिए वो सब कुछ बेचने को आमादा है। इज्जत, ईमान, खानदान, कबीला, सब कुछ दाव पर लगाने को तैयार है। इस दुनिया की मोहब्बत, इख्तिदार की हवस ने इंसान को जानवरों से बदतर बना कर रख दिया है। कितने दिन बैठ जाएंगे लोग, कितने साल जी जाएंगे लोग, ऐसा लगता है कि वो इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले ही नहीं हैं। हमेशा हमेशा के लिए वो यहीं रहेंगे और यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। इस दुनिया के बारे में अल्लाह के रसूल ने इतनी तफसीलात बताई, बताने के बाद भी आज आप इस दुनिया में देखिए, कोई गैर ये हरकतें करे तो आप कहें भाई ईमान नहीं है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है, वो तो आखिरत को मानता नहीं है, वो कुरान पर यकीन नहीं करता है। लेकिन ये हरकत अगर अपने करें तो दिल पर क्या गुजरती है, सोच कर देखिए। आज फलस्तीन पर जो हो रहा है, आए दिन, आए लम्हा, आए वक्त, सिवाय मीटिंगों के कुछ और नहीं किया है मुसलमानों ने, कुछ भी नहीं किया है। आंखों में कतरा आंसू नहीं है, दिल में कोई तड़प नहीं है। संजीदगी के साथ इस मसले को हल करने का मिजाज नहीं है, नहीं चाहते कि मसला हल हो, इसलिए कि अगर इनमें जिहाद का जज्बा होगा तो कल इनकी कुर्सियां भी हिलेंगी, कल वहां भी इस्लाम आएगा, कल वहां भी तरीक़े नबवी आएगा, कल वहां भी इस्लामी मिजाज पर इंसानी जिंदगियों को ढाला जाएगा। कौन इनमें से कौन कोई नहीं चाहता। अपने इंस्टाग्राम पर 2 दिन पहले मेरे भाई ने एक बड़ा अच्छा हो डाला था, बहुत अच्छा लगा। XMLA हैं, एक तरफ OIC का इजलास है जिसमें सारे मुसलमान सरबराह खड़े हैं, बिल्कुल अपोजिट में गजा का शहर है जो जल रहा है। उन्होंने एक शेर लिखा, बड़ा अच्छा शेर था। मेरे शहर के सब लोग आतिश परस्त थे, घर मेरा जल रहा था और दरिया करीब था। यानी सारे मुसलमान हुक्मरान जिनकी नीयतों पर आप बहस की जरूरत ही नहीं है, जिनके जो दिलों में है वो खुलकर सामने आ रहा है। तो लिहाजा गजा की जलती आग में अपने हाथ तो तापना चाहते हैं, सर्दी से बचने के लिए फलस्तीनियों की लाशों की तपिश अपने बदन में बतौर गर्मी के महसूस तो करना चाहते हैं, लेकिन उन बंदों के लिए कोई खिदमत का जज्बा नहीं है, सारे उसूल, सारे कवानीन, सारे ज़ाब्ते लपेट कर रख दिए गए हैं। सर चढ़कर बोल रहा है इस्लाम का दुश्मन, और इनकी कुर्सियां उसी के इशारे पर टिकी हुई हैं। तो कोई क्यों जाए इस्लाम के साथ, कोई क्यों जाए इस्लाम के साथ। सलाम में उन शहीदों पर, उस कौम पर जिसने पहले दिन से लेकर आज तक और आइंदा क़यामत तक भी शायद मुसलमान हुक्मरानों के बजाय आसमान और ज़मीन के रब पर अपना भरोसा बढ़ा रहे हैं, अपने रब पर भरोसा बढ़ा रहे हैं। उनकी जिंदगियां दाव पर लग जाएं, घर टूट जाएं, शिराज़ा मुंतशिर हो जाए, वीरान हैं उनकी जिंदगियां। उस वक्त भी उनकी जबानों से न इनसे कोई उम्मीद है न तवक्को, इसलिए कि ये क्या कर सकेंगे। बिके हुए दीन के लिए कभी जान नहीं देते हैं। जिनकी जबानों पर कलिमा अल्लाह के रसूल की खिदमत में यह कुछ बद्दुआएं आकर कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, हम मोमिन हैं, हम ईमान ला चुके हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब देने को कहा कुरान ने, क़ालतिल्लाहु आमन्ना। ये मुनाफिक कहते हैं कि हम मोमिन हैं। तो अल्लाह के रसूल से कहवाया गया, कुल लम तुमिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना। अपने आप को मोमिन न कहो, कहो कि तुम मोमिन नहीं मुसलमान हो। मुसलमान वो है जो जबान से कहे अल्लाह एक है, हुजूर आखिरी रसूल हैं, ये हलक से उतर कर जब कलिमा दिल में बैठे वो मोमिन कहलाता है। वलम्मा यदखुलिल ईमान फी कुलूबिकुम, ईमान जब तुम्हारे दिलों में घुस जाए ना, तो फिर बात समझ में आए, फिर बात समझ में आए। अफसोस तद अफसोस, किस किस से उम्मीद लगा बैठती है दुनिया। लगता यह है ये हालात किसी मुल्क के लिए नहीं, बल्कि फ़लस्तीन की ज़मीन और वहाँ की जंग आज हर मुसलमान के दिल की ज़मीन पर लड़ी जा रही है। ये मारने मरने से ज़्यादा वहाँ पर जान देने की नौबत आई है। यहाँ ख्वाहिशात को कुचलने का वक्त है, मामूलात को कुचलने का वक्त है, अपने नफ्स और उसकी तमन्ना और आरजुओं को कुचलने का वक्त है। लिहाजा हम कैसे करें साहब। वहां मर रहे हैं बच्चे। जैसे ही लगा, जैसे ही लगा कि मुसलमान मार्केट से इसराइली प्रोडक्ट पर तवज्जो हटा रहे हैं, एक ही झटके में व्यापार बढ़ गया। नेस्कॉफी पर 400 रुपये कम हो गए, पेप्सी के साथ गिलास मिलने लगा, कोक के साथ 600 ml फ्री। अब पूछो बाप, जो एक दो ही दिन के अंदर हस्बे मामूल से दुगनी तरक्की हुई है। अंदाजा लगाइए किस किस्म का ईमान है जो एक गिलास पर 4 चम्मच कॉफी पर बिक रहा है और हम बेच रहे हैं, दुनिया हमें खरीद रही है। साबित कदमी की बात कौन करे, इस्तिकामत की बात कौन करे, इस्तिकलाल की बात कौन करे। कहाँ से लाएं? मिसालें देना बड़ी आसान है, मिसाल बनना बड़ा मुश्किल है, मिसाल बनना बड़ा मुश्किल है। मौलाना शफली थानवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने आकर कहा था, हजरत अगर मैं हुजूर के ज़माने में होता तो मैं अल्लाह के रसूल का बहुत साथ देता। तो मौलाना शफली थानवी ने सुनकर कहा, जहाँ भी हो अल्लाह का शुक्र अदा करो, क्योंकि ये मत सोचो कि तुम हुजूर का साथ देते, ये भी तो मुमकिन था कि अबू जहल के साथ होते, ये भी तो मुमकिन था कि अबू जहल के साथ होते। 1400 साल का अरसा गुजर गया, मस्जिदों को हमने आबाद किया, नमाजें भी हो रही हैं, घरों में अपने आप को मुसलमान भी कहला रहे हैं। नफ्स की इस छोटी सी कुर्बानी के लिए ना आप आमादा हैं न मैं आमादा हूँ। मौलवी मुल्ला भी बराबर का है। मैं अक्सर कहता हूँ ना कि इस हम्माम में सब नंगे हैं, सब नंगे हैं। नफ्स को कुचलना, इसीलिए तो सूफिया ने कहा मैदान जंग जीतना आसान है, नफ्स को जीतना बड़ा मुश्किल है, नफ्स को जीतना बड़ा मुश्किल है। और ये नफ्स कहने को तो एक मुट्ठी भर दिल है, एक मुट्ठी भर गोश्त का लोथड़ा है, लेकिन है तमाम चीजों के जनरेट होने की जगह, अच्छाई की, बुराई की, आरजुओं की, बेहूदगियों की, तमाम चीजों के जनरेट होने की जगह। वही जबी तो अल्लाह के रसूल ने हमको दुआ सिखाई, या मुसर्रिफ अल-क़ुलूब सर्रिफ क़ल्बी अला दीनिक व ताअतिक। कुरान मजीद ने जा बजा कई मुकाम पर फरमाया, इन्नल लज़ीना इश्तरऊ अल-कुफ़्र बिल ईमान लन यज़ुर्रुल्लाह शैया। जो लोग ईमान को बेचकर कुफ्र खरीद रहे हैं वो अल्लाह को कोई नुकसान पहुंचाने वाले नहीं है। कुरान ने कहा, फला तखाफूहुम वखाफूनी इन कुंतुम मुमिनीन। अगर ईमान है तो तुम उनसे क्या डरते हो, उनके हथियारों से क्या डरते हो? डरना है अपने रब से डरो, रब से डरो। जरा सोचो, क्या ये हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है और हो रहा है। कौन सी मुनज़्ज़म मिलिट्री है, कौन सा इंटेलिजेंस है, कौन सा डिफेंस सिस्टम है? दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें इस्लाम के मुकाबले हैं और ये निहत्ते अल्लाह के नाम को आबाद रखे हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या जाएगी? घर चला गया, कारोबार चला गया, जिंदगी की आरजुएं खत्म हो गई, बची है एक जान, वो भी उस रब के लिए चली जाए तो क्या माने? इसके साथ हर सांस निकलती है और हर सांस जय ली जाती है और छोड़ी जाती है। अजीब सा तस्वर। और इन मुस्लिम हुक्मरानों के लिए आप क्या फतवे दें? मुनाफिक कहें, धोखेबाज कहें, आप इनको क्या कहें? कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। उनका किरदार बता रहा है कि वो क्या हैं, वो क्या कहें। तस्वर करके देखिए, इनको अभी तक लगी पड़ी है मुसलमानों को, मुसलमान तंजीमों को, उम्मत को बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं। खिलाफत उस्मानिया को हटाकर मुसलमानों की खिलाफत को तोड़कर उम्मत मुस्लिमा को टुकड़े टुकड़े बनाकर किस नाम पर आए थे? कुरान के नाम पर, हदीस के नाम पर, तौहीद के नाम पर। शिर्क मिटा देंगे, बिदअत मिटा देंगे, अब तो ईमान ही मिटा रहे हैं। बिदअती का भी ईमान होता है जिसके संभलने की उम्मीद होती है। मुशरिक शिर्क छोड़कर ईमान में आ जाएगा। काबे से कुफ्र निकले तो आदमी ईमान कहाँ ढूंढे, ईमान कहाँ ढूंढे? ये हालात आपको मुझे बताते हैं, तिनकों के सहारे दरिया पार करने का मिजाज बदलो। बुजुर्गों ने जो कहा, बल में बल आप बल। हम अपने आप को मोमिन साबित करें, अपनी जाती जिंदगी में, अपने घर में, अपने अहलो अयाल में, अपनी नस्लों के अंदर हम अपने आप को मोमिन साबित करें। ये सहारे बहुत हो गए साहब, ये सहारे बहुत हो गए। लिहाजा तमाशाई दुनिया बनकर बैठी है। आहिस्ता आहिस्ता आप खुद देख रहे होंगे, 40 दिन गुजर गए, मसला सुलझने के बजाय उलझता गया। सिर्फ एक ही फर्क पड़ा, जिस तरीके से तेजी से खबरें थीं अब वो दबती चली गई, दबती चली गई। मामूल पर जिंदगी आ गई। अब रोजमर्रा की जिंदगी में आपके मेरे 24 घंटे पर सो गुफ्तगू थी, आज 24 सेकंड भी उस मौजू पर गुफ्तगू नहीं है। खून बहना रुका नहीं है, चीखें अभी थमी नहीं हैं, जलते मकान की शुआएं और लपेटें अभी दबी नहीं हैं। जरा सोच कर देखिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और फिर इन हालात में डायरेक्ट इनडायरेक्ट गैर मुस्लिम ममालिक, जहां का निजाम अलग है, इंसान और इंसानियत के खून के खिलाफ सिफारती ताल्लुकात खत्म कर रहे हैं। और हमारे इस्लामी ममालिक जिनके तलवे चाट कर मुसलमानों का एक फिरका सर चढ़कर बोल रहा है, वो कह रहे हैं कि अब भी हम अपने रिश्ते मजबूत करने के बारे में सोच रहे हैं। माशाल्लाह। कहने का मतलब ये है कि आप छुरियां हवाले कर दीजिए और उससे कहिए कि आप मेरी कौम को जिससे चाहे मारें, हमने बकरों की गर्दनें झुकाकर पेश कर दी है, आप अपनी मर्जी से जिसको चाहे जुबान करें। ये हालात होते जा रहे हैं। और रहा ये मुल्क, अब इसका तो पूछिए मत साहब। बाजू के घर वाले की दावत में मेरा दिल देख वाली बात है। इसराइल का हमला हुआ तो इनको तो ऐसे सूझी कि चलिए हम ही कर लेंगे। कोई अल्लाह के रसूल के खिलाफ बयान दे रहा है, कोई कुरान के खिलाफ बयान दे रहा है, कोई कह रहा है कि हम जाकर इस्राइली फौज का साथ देने को तैयार हैं। कोई एक जुमला उधर से यहाँ का कोई नौजवान कह दे दहशतगर्द है, इसका ताल्लुक फुला से है, फुला से है, फुला से है, और ये वो ओपन डिक्लेरेशन है, हम जाने को तैयार हैं, कोई कार्रवाई नहीं, मुल्क को खतरा नहीं। इस किस्म की इंतहा पसंद जहनियत रखने वालों के लिए जो खुल्लम खुल्ला यहाँ की 20% आबादी के खिलाफ अपने जो नफरत भरे जज्बात का इजहार कर रहे हैं, ये मुल्क है, ये जंगल राज है। सोच कर देखिए, और ये मुल्क किस तरफ जा रहा है अंदाजा लगाइए, अंदाजा लगाइए। अल्लाह अकबर। और कोई कार्रवाई कहीं पर नहीं हो रही, कहीं पर नहीं हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी हुई किताब कुरान मजीद के ताल्लुक से बेहुदा जुमले, तंज, मिजाह, न जाने क्या क्या चीजें जो कमेंट्स के तौर पर लिखी जा रही हैं, और पूरी हुकूमत खामोश बैठी है, खामोश बैठी है। अल्लाह अकबर। मेरे भाई, आप और मैं इस दुनिया में कितने दिन जी लेंगे, कितने दिन जी लेंगे? दुआएं कभी मांगी है ना आपने? मक्के में मांगी है, मदीने में मांगी है, काबे के सामने खड़े होकर मांगे हैं। 10 मिनट के साथ आपकी आरजुएं खत्म हो जाती हैं। अपने लिए मांगा, औलाद के लिए, औलाद की औलाद के लिए, मरे हुए माँ बाप के लिए, आपके पूरे खानदान के मुर्दों के लिए, सबको मांग कर 10 मिनट में थक कर वह आखिर दावाना कह लेते हैं। जिंदगी इतनी ही है, जिंदगी इतनी ही है। अगर कोई पूछे तो कहते हैं सब के लिए मांग लिया, सब के लिए मांग लिया। और कैलकुलेट करके देखें, हरम में गुजरे वक्त में आपकी आरजुएं, तमन्नाएं शायद चंद घंटों से बढ़कर नहीं होंगे, और वो चंद घंटों भी बड़ी इखलास से नहीं होंगे, बड़े इखलास के साथ नहीं होंगे। मांगते में भूल जाएंगे जिंदगी, जिंदगी क्या है, जिंदगी बस। आदमी कितना मांगेगा साहब? आबे हयात तो नहीं मांगेगा कि पीकर परमानेंट रह जाऊं, क्योंकि वो जानता है जरा तबीयत खराब हुई, औलाद तो वैसे ही पहले ले जाकर जिंदा दफनाने में पड़ी है। एक बूढ़े बेचारे की मौत का वक्त करीब आया तो 2 बेटे खड़े हुए थे। बच्चों ने कहा बाप तो जाने लगे हैं, कौन क्या लेगा? किसी ने कहा मैं ये ले लूं, वो ले लूं, वो ले लूं। फिर उसने कहा वो सब तो सही है, क्या करूं, अब बाप मर गए तो खर्च कौन उठाएगा? बड़े भाई ने कहा कि साहब मैं तो पूरा खर्च दे नहीं सकता हूं, तकसीम करके देख लें। दूसरे ने कहा नहीं नहीं, मैं तो पहले ही से मुझे कम हिस्सा मिला है। तीसरे ने कहा फला, कहा एक ने कहा ठीक है मैं नहलाने वाले को दे दूंगा, दूसरे ने कुछ कहा, तीसरे ने कहा नहीं मेरे पास इसके लिए पैसा नहीं, उसके लिए पैसा नहीं। तो आखिर जो है कफन क्या करूं, कफन क्या करे? कहा नहीं फलां को कह देंगे, वो लाएंगे, वो पहना देंगे, यह जो फलां जमात को कह देंगे वो ला लेगी। और यह यही गुफ्तगू बाप की चारपाई के पास जो भी जिंदा है औलाद कर रही है। तो बाप ने कहा बेटे कोई फिक्र न करो, मैं खुद कल बाजार जाऊंगा, कफन पहनकर कब्र के गड़े में खुद लेट जाऊंगा, तुम्हें इतनी भी तकलीफ ना होगी, तुम्हें इतनी भी तकलीफ ना होगी। आरजुएं, हसरतें इतनी महदूद हैं साहब, और दुनिया 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 सब खेल खत्म होकर रह जाता है। रोता है उस वक्त जब आंसुओं की कीमत नहीं होती, याद करता है उस वक्त जब उसके जज्बात की कोई अहमियत नहीं होती, मांगता है रब से जिस वक्त उठे हुए हाथों की कबूलियत की कोई गारंटी नहीं होती। तो अल्लाह तबारक व तआला के रसूल ने आपको और मुझे इस दुनिया की बेसबाती के ताल्लुक से बड़ा साफ साफ अल्फाज में हमें समझाया कि हम इस दुनिया और दुनिया की हकीकत को समझें। दीन और आखिरत ये यकीनी है और यही अहम है। व इन्न दारुल आखिरत लहियल हयवान लौ कानू यालमून। काश तुम जानने वाले बन जाओ, काश तुम जानने वाले बन जाओ। कुरान ने जिसे कहा मा लबिसू गैर सआ, कितना रुक जाओगे? दुनिया से उठाकर ले आऊंगा, पूछूंगा कब तक थे, कहोगे मा लबिसू गैर सआ, 1 घंटा दुनिया में रहकर आया हूं, 1 घंटा, उससे बढ़कर नहीं। फिर कुरान ने कहा كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا इल्ला आशियतन औ दुहाहा। जब अल्लाह पूछेगा दुनिया में कितनी देर रहे तो कहे ऐसा लगता है सुबह से दोपहर तक या दोपहर से असर तक रहकर आए। 70 साल की जिंदगी, 80 साल की जिंदगी, 50, 63 साल, 60 साल जितने भी मिले उसको बस कहा या तो सुबह का वक्त है या फिर दोपहर से असर तक का वक्त। इससे बढ़कर कोई लम यल्बसू इल्ला अशियतन औ दुहाहा। और जिसे हजरत नूह का दरवाजा इधर से घुसा इधर से निकल गया, 1000 साल मामूली बात नहीं होते हैं 1000 साल। हमको तो जो है 150-200 साल पहले अपने बड़ों के नाम याद नहीं है, हजरत नूह को तो अल्लाह ने 1000 साल जिंदगी दी। 1000 साल के बाद वो 1000 साल के बाद पूरी जिंदगी का तज्जिया, इस दरवाजे से घुसा उस दरवाजे से निकला, उस दरवाजे से निकला। इतनी जिंदगी के अंदर इख्तिदार के लिए, हुकूमतें बचाने के लिए, कुर्सियों पर बैठने के लिए, ऐशो इशरत के लिए इस उम्मत का खून कर रहे हैं। वो जुल्म करते और जुल्म तो कर ही रहे हैं। उलमा कैद खानों में हैं, हक परस्त की आवाज़ें दबाई जा रही हैं। जिहाद का तस्वुर इस्लाम ही में नहीं, लिटरेचर तैयार किया जा रहा है, लिटरेचर तैयार किया जा रहा है। झोंक दो इस कौम को मसलक की जंग में, जबानों की जंग में, फिरका परस्ती में बटी रहेगी, टूटती रहेगी, बिखरती रहेगी, बिछड़ती रहेगी, नाकाम होती रहेगी। कुरान और हदीस, अल्लाह और उसका रसूल, आखिरत की तैयारी, ये सब जबान तक रखो, दिल में उतरने न दो। और इसको कामयाब कौन बना रहे हैं? हमारे अपने हुक्मरान बना रहे हैं। हिंदुस्तान में एजुकेशन पॉलिसी खैर गैर बना है, इस्लामी मुल्कों में कौन बनाता है? वहाँ क्यों पर्दे का मसला खड़ा हो रहा है? वहाँ क्यों सूदी निज़ाम चल रहा है? वहाँ क्यों शराब को पानी की तरह पिया जा रहा है? वहाँ नाच गाने के जवाब के कौन से फतवे हैं? वहाँ इस्लामी शरीयत के मुताबिक फैसलों में रुकावट किस बात की है? तो मालूम ये हुआ ये मुस्लिम हुक्मरान, कहने को मुस्लिम हुक्मरान है, निफाक कूट कूट कर भरा हुआ है, निफाक कूट कूट कर भरा हुआ है। उसके लिए फतवों की जरूरत नहीं है, वो खुद अपनी जबान से कह रहे हैं, वो खुद अपनी जबान और अपने फैसलों से बता रहे हैं। मेरे भाई, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको और मुझे एक मुख्तसर सी जिंदगी दी है। इस जिंदगी को बंदगी बनाएं, जभी इसके अंदर कोई कामयाबी है। और अहले ईमान के लिए तड़पने का मिजाज बनाएं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरी उम्मत एक जिस्म की तरह है, इदश्तका आज़वन फश्तका कुल्लो, पैर में कांटा चुभे तो आंख रोती है। बदन के एक हिस्से को तकलीफ पहुंचे, सारा बदन शिकायत करता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल मोमिनु लिल मोमिनि कल बुनियान, एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए दीवार की ईंटों की तरह है, हर ईंट दूसरी ईंट का सहारा है, हर ईंट दूसरी ईंट का सहारा है। और अच्छी तरह याद रखिए, सारी दुनिया हमको हमारे दीन से हटाने पर तुली है, हम पर जुल्म सिर्फ इसीलिए हो रहा है। कल फलस्तीन, परसों कहीं और, आज कहीं और, ये सिलसिला रहेगा यहाँ तक के अल्लाह अपने वादे को पूरा करेगा और दीन ये गालिब आकर रहेगा। खुदा की ज़मीन पर खुदा का कानून होगा। अल्लाह तबारक व तआला साफ साफ कहते हैं, इनकी इन हरकतों को देखकर, इनकी ताकत को देखकर मत घबराओ। कामयाबी उनकी नहीं है, कामयाबी तो तुम्हारे रब ने फैसला किया है, तुम्हारी ही होगी। सोने को जेवर में ढालने से पहले तपाया जाता है, सांचे में उसको ढाला जाता है, पिघलाया जाता है। सोना ये कहे कि मैं नहीं पिघलूंगा, मैं तपिश नहीं बर्दाश्त करूंगा, तो जेवर भी नहीं बनेगा। इस कायनात का हार कुदरत अगर हमको बनानी है, पीट कर, थपक कर, चेक कर, पिघला कर हमें ढालेगी और हमें ढलने के लिए तैयार रहना चाहिए। अल्लाह करे कि अल्लाह ताला हमें और आपको दीन पर इस्तिकामत और इस्तिकलाल नसीब फरमाए। अहले फ़लस्तीन के लिए अल्लाह रहम और करम के मामले फरमाए। अल्लाह ताला अपनी गैबी फ़तह नुसरत के दरवाज़े उनके लिए खोले। अल्लाह ताला उनकी आहो बकार गिरिया जारी को अपने दरबार में शर्फ़ कबूलियत से नवाजे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।